वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हुण आपां आए हां जी गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब विखे जी। ये स्थान सानेवाल पिंड दे विच पैंदा जी। दसवें पातशाह जदों उच्चदा पीर बन के कटाणा साहिब आए ने उस तों बाद महाराज इधर नूं आए ने तां उरे ना कहिंदे इक करीर दा दरख्त हुंदा सीगा। पातशाह उहदे नाल ढासणा ला के कुछ देर बैठे सन जी ते पातशाह ने सुनेहा भेजिया सी वी पिंड दी पंचायत आ के सानू मिले। तो बंदे ने आके जवाब दिता, वह गया पिंड उन्होंने मिले जवाब दिता पातशाह आके, कहिंदा पातशाह भी कोई भी पंचायत नहीं हैगी उरे। यानी वो बंदिया ने जवाब दिता भी असीं नहीं जाना, भी इन्हां दे पिछे तां मुगल फौजां लगियां हुई ने, भी वो सानू भी तंग परेशान करनगे। जिहड़े उन्होंने जवाब दिता वह आए नहीं हैगे। चलो पातशाह कहिंदे जे है नहीं पंचायत भी गाहां नूं भी पंचायत होनी नहीं हैगी। पातशाह चले गए अगे नूं। जदों पातशाह तुरे ना पिंड दीआं बीबियां नूं पता लग्गिया तां कहिंदे पिंड दीआं बीबियां ने आके पातशाह नूं घेरा पा लिया सीगा। इह गुरद्वारा साहिब नूं घेरा साहिब भी कहिंदे ने जी। ते घेरा पाया तां उह कहिंदे पातशाह भी आए नहीं, भी उह कहिंदे बंदे नहीं आए हैगे। उह कहिंदे भी उह भाई कम्मकार करदे ने, भी उह तां नहीं आ सकदे, भी असीं आए हाँ। उन्होंने सेवा की पातशाह दी। पातशाह कहिंदे कोई गल नहीं भाई, भी तुसीं चंगा कीता कि सानूं मिल ले। ते फिर अज भी कहिंदे उवें ही आ भी बीबियां दी पंचायत और उन्हां दी चलदी आ जी, उन्हां दी सुनवाई हुंदी आ जी। इह इह आ गुरद्वारा साहिब जी। चलदे आ अंदर नूं जी, दर्शन करदे आ जी अंदर चल के गुरद्वारा साहिब दे जी। इह आ जी जोड़ा घर जी गुरद्वारा साहिब दे विच जी। ते इह आ जी लंगर हाल, जित्थों आपां अपनी लोड अनुसार प्रशादा पाणी छक सकदे आ जी। गुरु के लंगर तुट वरतदे ने जी। ये लंगर हाल आ जी। कलगियां वालिया तेरे हौसले सी, अखां सामने पुत शहीद करवा दिते। लोकी लभदे ने लाल पत्थरां चों, ते तुसी लाल ही पत्थरां च चणवा दिते। बहुत वड्डी कुरबानी कीती आ साडे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जी। आ जाओ हुण आपां चलदे हां गुरद्वारा साहिब दे अंदर नूं जी, अंदर तों दर्शन करदे हां चल के जी। आओ चलिए जी। ये सोहना उच्चा निशान साहिब झूलदा होया जी, जिस जगह ते साडे पातशाह के करीर दे दरख्त नाल कुछ देर बैठे सन जी। ये गुरद्वारा साहिब के बाहर बनया होया जी सरोवर साहिब जी। हुण आपां सब ने मिल के दर्शन कर ले जी गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब सानेवाल विखे जी। आओ चलिए हुण दूसरे गुरद्वारा साहिब वाल, जिसका नाम है गुरद्वारा रीरू साहिब पिंड आनंदपुर जी। साड़ी वीडियो नू बिना स्किप किए पूरी जरूर देखियो।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। हुण आपां आए हैं जी गुरद्वारा श्री रेरू साहिब आ जी। ये दसवें पातशाह जदों उच्चा पीर बन के आए ने गुरद्वारा कटाणा साहिब तो बाद महाराज इस स्थान के उत्ते आए थे जी। इस जगह के उत्ते एक रेरू का दरख्त भी है जी। आ जाओ आप चलते हैं गुरद्वारा साहब के अंदर नूं जी, दर्शन करते हैं। आओ चलिए अंदर नूं जी। ये माता जी बैठे ने जी उरे गुरद्वारा साहब दे विच जी सेवा करते हैं उरे, ते ये दसणगे भी की इतिहास है गुरद्वारा साहब का। माता जी की इतिहास है जी? भाई इत्थे पुत्र गुरु साहब रहे सी जदों उन्हां नूं घेरा पै गया सी। अच्छा जी, ठीक है। इत्थे उह रहे सी जट दा कोह हुंदा सी जमींदार दा। अच्छा जी। उत्थों उह जल पाणी भोजन दुध दही अपने घरों लिआउंदे सी, लिआ के ते उह उन्हां नूं छकाउंदे सी। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਰੋਕੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਜਾ ਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁੱਗੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਘਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਗ ਘਰ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਗ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਰੂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਰੇਰੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਰਖਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੁੱਖ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗਿਆ ਜੀ ਰੇਰੂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਰਖਤ ਜੀ ਰੇਰੂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
आपा सब ने मिल के गुरुद्वारा श्री रेरू साहिब के दर्शन कर ले ने जी। वीडियो किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्यो, वीडियो लाइक कर दियो, चैनल सबसक्राइब कर दियो, बैल आइकन दबना ना भुल्यो जी। अगली वीडियो दे विच आपा सारे मिल के उस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करांगे जिस जगह उत्ते नगाइए वालों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं घोड़ा भेंट किया गया सी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।